सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोकर ने लाहौर में इस बात का बाकायदा ऐलान दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में साबिक सेक्रेटरी ओलंपियन आसिफ बाजवा और ओलंपियन शहबाज सीनियर की एक बार फिर वापसी देखने में आ रही है, जबकि साबिक फेडरेशन में अहम अहदों पर काम करने वाले अहदेदारों को कोऑर्डिनेटर तक महदूद कर दिया गया है। ओलंपियन आसिफ बाजवा को पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का नया चीफ सेलेक्टर तैनात किया गया है। उनकी सिलेक्शन कमेटी में ओलंपियन अंजुम सईद, ओलंपियन कामरान अशरफ और ओलंपियन जीशान अशरफ को जिम्मेदारियां दी गई हैं। कौमी हॉकी टीम के हेड कोच बदस्तूर रोलैंड ऑल्टमेंस होंगे, जबकि उनके साथ कोचिंग स्टाफ में ओलंपियन काशिफ जवाद, ओलंपियन शफकत मलिक होंगे, जबकि ओलंपियन शहबाज सीनियर को मैनेजर का ओहदा दिया गया है। ओलंपियन कमर इब्राहिम को फाइव ए साइड के लिए चीफ कोच बनाया गया है, जबकि ओलंपियन मोहम्मद उस्मान, ओलंपियन मोहम्मद खालिद को कोचिंग स्टाफ में रखा गया है, जबकि ओलंपियन वसीम फिरोज को मैनेजर की जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं।